मथेन वंदामी पूज्य गुरुदेव. गुरुदेव, दुनिया में इतने सारे धर्म है, तो उनमें से जैन धर्म सबसे अलग कैसे है? रियालिटी, धर्म क्यों अलग है? सबसे बड़ी बात जैनत्व की एक है कि यहां पर सभी आत्मा को समान माना गया है, चाहे परमात्मा का आत्मा हो चाहे हमारा आत्मा हो, सभी आत्मा को समान माना गया है. और समानता के कारण यदि कोई आत्मा अपनी शुद्धि करता है तो वो भगवान के स्थान पर पहुंच जाता है, शुद्धि नहीं करता है तो वो सामान्य रहता है. और जो सामान्य आत्मा, उसने भी यदि अपनी आत्म शुद्धि कर ली तो वो वापस कहां पहुंच जाता है? भगवान के स्थान पर ही पहुंच जाता है. ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी शुद्ध विचारधारा यह प्रभु तीर्थंकरों ने बताई हुई है कि मैं भी पहले सामान्य था और मैं भी अंत में श्रेष्ठ बन पाया हूं. आप भी सामान्य हो, आप भी श्रेष्ठ बन पाते हो. अंत में भगवान और भक्त का कोई भेद नहीं रहता. प्रभु की इच्छा से आप प्रभु बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता. आपके भावों से आपकी सिद्धि हो सकती है. कोई परमात्मा हमारे सुख दुख का नियंता नहीं होता. और मेरे भगवत स्वरूप की प्राप्ति में किसी भी परमात्मा का होना जरूरी नहीं होता. स्वयं के पुरुषार्थ से हम वो स्थान पर पहुंच पाते हैं जो स्थान पर अनंत तीर्थंकर परमात्मा है, अनंत परमात्मा है. जैन धर्म की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अंत में सब समान, अंत में पूर्ण संभाव, अंत में सभी का एकत्व भाव, अंत में सभी शरीक है. वो परमात्मा में उसका एक पार्ट नो. भगवान ने कहा कि जैसा तू है वैसा ही मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही तू है. सिर्फ फर्क इतना है, मैंने शुद्धि कर ली है, आपने शुद्धि नहीं की है. आप शुद्धि कर लो तो आप और मैं दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे. पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना होता है, कभी पारस मणि नहीं होता. दुनिया के हरेक क्षेत्र में जहां जहां पर स्पिरिचुअलिटी है वहां पर अंत में यही है कि प्रभु के स्पर्श से मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा, प्रभु के स्पर्श में श्रेष्ठ हो जाऊंगा, मैं प्रभु हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं आती. लेकिन यहां पर पारसमणि प्रभु कहते हैं कि मेरे स्पर्श से तू स्वयं भी क्या हो जाएगा? लोहा सोना नहीं, तो स्वयं क्या हो जाएगा? तू पारसमणि हो जाएगा. इसलिए अंत में श्रेष्ठ होने में भी कोई भेद नहीं है. वो लोहा सोना करे वो करे आप समान, वो लोहा सोना करे और वो करे आप समान. पारसमणि और परमात्मा ये अंतर जान ले तो ओके. तो हमें बस सच्चा